हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। अगर हम स्पेशल एजुकेटर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑडियोलॉजी से संबंधित जो सबसे पहला प्रैक्टिकल पॉइंट दिमाग में आता है वो होता है ऑडियोमीटर एंड ऑडियोमेट्री। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑडियोमीटर एंड इसके पार्ट्स। तो ज्यादातर हम देखेंगे कि जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं जिनका एक टॉपिक है प्रॉपर ऑडियोलॉजी, उसमें ज्यादातर कहीं ना कहीं जो थ्योरी पेपर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, ओरल वाइवा हो, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे होते हैं? ऑडियोमीटर एंड ऑडियोमेट्री से होते हैं। तो ऑडियोमीटर एंड ऑडियोमेट्री की एक सीरीज है पूरी, जिसको हम कई वीडियोज में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑडियोमीटर। तो बेसिकली ऑडियोमीटर क्या होता है? ऑडियोमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कहीं ना कहीं यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है विच जनरेट डिफरेंट साउंड्स एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज एंड इंटेंसिटीज, यानी कि वह अलग अलग आवृत्ति, अलग अलग आप कह सकते हो तीव्रता वाली ध्वनियां उत्पन्न करता है। तो ऑडियोमीटर क्या है? ऑडियोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो अलग अलग इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी की ध्वनियां उत्पन्न करता है। जब हम बात करते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री की, तो कहीं ना कहीं हम वहां बाध्य हो जाते हैं प्योर टोन्स के लिए। अभी हम फ्री हैंड है, हम सिर्फ बात करते हैं ऑडियोमीटर की। तो जब आप मार्केट में जाएंगे ऑडियोमीटर खरीदने, या आपने अलग अलग ऑडियोमीटर देखे होंगे अपनी संस्था में, सरकारी संस्थाओं में, प्राइवेट संस्थाओं में, तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं अलग अलग ऑडियोमीटर होते हैं। जिस प्रकार से आप देखोगे कि घर में हमारे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो जिस तरीके की उनकी कंपनियां अलग होती हैं और उनका कह सकते हो आप स्ट्रक्चर अलग होता है, उनकी बटन्स अलग होती है, बट उनका मेन काम एक ही होता है कि कपड़ों की धुलाई करना या चीजों को ठंडा करके रखना, ये सारे काम उनके बेसिक एक ही हैं। उसी तरीके से हमारे ऑडियोमीटर का मेन काम एक ही होता है, बस उनकी बटन्स, उनका आउटर स्ट्रक्चर थोड़ा सा भिन्न होता है। तो कहीं ना कहीं आज हम उनके मेन पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और आप बिल्कुल भी इस चीज के लिए परेशान मत होना कि हमारे ऑडियोमीटर का बिल्कुल अलग है या ऐसा कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं किसी ऑडियोमीटर पे नहीं बल्कि आपको प्रॉपर बोर्ड पे समझाऊंगी, ताकि आप बटन्स को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो शुरुआत करते हैं ऑडियोमीटर के बेसिक थ्री पार्ट से। ऑडियोमीटर के बेसिक तीन पार्ट होते हैं, ऑसिलेटर, एटेन्यूएटर एंड इंटरप्टर। ऑसिलेटर का काम है अलग अलग ऑक्टेव मिड ऑक्टेव की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज उत्पन्न करना। बेसिकली आपके लिए जो काम आने फ्रिक्वेंसीज है वो 250 हर्ट्ज टू 8 किलो हर्ट्ज तक होती है, बट हमारे ऑडियोमीटर में ऑलरेडी 125 हर्ट्ज से लेके किसी में 10 तक होती है, किसी में 12 तक होती है। वो अपने ऑडियोमीटर की अपनी स्वयं की विशेष की कैपेसिटी होती है कि उसमें कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज है। बट ज्यादातर जो हमारे काम आने वाली फ्रिक्वेंसीज है वो कौन सी है? 250 हर्ट्ज टू 250, 500 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज एंड 8 किलो हर्ट्ज। इसके अलावा और भी फ्रिक्वेंसीज हैं जो आपके ऑडियोमीटर में होती है। नेक्स्ट आता है एटेन्यूएटर, जिसका काम है इंटेंसिटी प्रोड्यूस करना, और ये 5 डीबी के कॉन्सेप्ट में होता है, जैसे कि -10 से लेके 120 डीबी तक इसका टाइम का ड्यूरेशन होता है। -10 डीबी, -5 डीबी, 0 डीबी, 5 डीबी, 10 डीबी, 15 डीबी, इस तरीके से करके ये 120 डीबी तक होता है। थर्ड आता है इंटरप्टर स्विच, जिसका कार्य है ध्वनि उत्पन्न करना या सिग्नल प्रोड्यूस करना। ध्वनि ऐसा नहीं कि ऑडियोमीटर के बाहर से सुनाई दे, जस्ट वो बटन को प्रेस करो तो इसका मतलब ये कि ऑडियोमीटर आवाज उत्पन्न कर रहा है जो भी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी निर्धारित की गई है। तब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि बेसिकली ऑडियोमीटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसका कार्य अलग अलग फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी की ध्वनि को उत्पन्न करना होता है। इसके तीन मुख्य भाग हैं, ऑसिलेटर जिसका काम है फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करना, एटेन्यूएटर जिसका काम है इंटेंसिटी उत्पन्न करना, और थर्ड इंटरप्टर जिसका कार्य है ध्वनि उत्पन्न करना। ये तीन आप कह सकते हो मुख्य आधार हैं किसी भी ऑडियोमीटर के। इसके अलावा ऑडियोमीटर के अलग से कुछ पार्ट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखे हैं। कहीं ना कहीं शुरू करते हैं फर्स्ट विद द ऑन ऑफ स्विच। आप ऑडियोमीटर में देखोगे मैंने नंबर्स लिख रखा है, 1 नंबर ऑन ऑफ स्विच, ये है 1 नंबर ऑन ऑफ स्विच, जिसका कार्य है ऑब्वियसली ऑन करते ही उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होने शुरू होंगे और आपकी डिवाइस ऑन हो जाएगी। कुछ पोर्टेबल डिवाइसेज होती है जो कि बैटरी से संचालित होती है। सेकेंड हमारा आता है आउटपुट सेलेक्टर स्विच। अब ध्यान देंगे,
आउटपुट का मतलब है जो भी चीज बाहर निकल रही हो उस मशीन से, तो आउटपुट सेलेक्टर स्विच का कार्य है कि आउटपुट सेलेक्ट करना हमें ध्वनि किस माध्यम से चाहिए। कहीं ना कहीं आउटपुट सेलेक्टर स्विच ज्यादातर क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स का क्या काम है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं अलग अलग में। देखिए सबसे पहला ट्रांसड्यूसर होता है हेडफोन्स, हेडफोन्स आपने देखे होंगे ऐसे कप शेप होते हैं, ऐसे कानों पे लगे होते हैं, राइट ईयर के लिए रेड वाला होता है, हमेशा याद रखो आर से आर, ये सूत्र है याद रखना हमेशा, आर टू आर, रेड कलर का हमेशा राइट ईयर में लगेगा, अपोजिट वाला ब्लू भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है, वो लेफ्ट ईयर में लगेगा। तो राइट और लेफ्ट के लिए अलग अलग इंडिविजुअल होता है। उसके बाद इसमें अकॉस्टिकल सिग्नल मिलते हैं। दूसरा होता है बोन वाइब्रेटर, जिसमें वाइब्रेशन के माध्यम से हमें सिग्नल्स या आउटपुट प्राप्त होता है। और इसको हम कहां लगाते हैं, ये देखिए आपके कान के पीछे एक बोन है, मैस्ट्रॉइड प्रोसेस, थोड़ा सा उभरा हुआ प्रोसेस है, दोनों कानों के मैस्ट्रॉइड प्रोसेस पे हम बोन वाइब्रेटर को फिट करते हैं, लगाते हैं। थर्ड होता है फ्री फील्ड स्पीकर। फ्री फील्ड स्पीकर्स का तात्पर्य यह है कि यह किसी एक इंडिविजुअल कान के लिए नहीं है, ज्यादातर इसका प्रयोग जब हम ऑब्जर्वेशनल ऑडियोमेट्री करते हैं छोटे बच्चों के ऊपर, या फिर हमें हियरिंग एड के लिए टेस्टिंग करनी होती है, तो हम फ्री फील्ड स्पीकर्स होते हैं, प्रॉपर एंगल पे रखे होते हैं और उससे सिग्नल दिया जाता है। कुछ ऑडियोमीटर में एक और चौथी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं, बहुत छोटे होते हैं इंसर्ट, एक तो हो गया आपका फ्री फील्ड और चौथा हो गया इंसर्ट। इंसर्ट रिसीवर ज्यादातर आपके जो फोन के हैंड्स फ्री होते हैं आपने उसकी तरह देखा होगा, बहुत छोटे होते हैं, फोन के हेडफोन्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, वैसे होते हैं इंसर्ट रिसीवर्स, कुछ टेस्टिंग्स में उनका भी प्रयोग होता है। तो बेसिकली ये चार ट्रांसड्यूसर्स हो गए, हेडफोन्स, बोन वाइब्रेटर, फ्री फील्ड स्पीकर और इंसर्ट रिसीवर्स। तो जो ये हमारी सेकंड नंबर की आउटपुट सेलेक्टर स्विच है, ये यहां पर है, कहीं भी हो सकती है आपके ऑडियोमीटर में, लेकिन ये बटने होंगी ही, ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो आउटपुट सेलेक्टर, इससे हम ये निर्धारित करते हैं कि हमें आवाज कैसी चाहिए, हेडफोन्स के थ्रू चाहिए, बोन वाइब्रेटर के थ्रू चाहिए, फ्री फील्ड के चाहिए, इंसर्ट के थ्रू चाहिए, ठीक है। थर्ड आता है हमारा फ्रिक्वेंसी डायल स्विच, थर्ड नंबर ये मैंने बना रखा है। आप ध्यान देंगे मैंने दो बटने बनाई हुई है, एक प्लस में और एक माइनस में, ऐसे करके बनाया, प्लस माइनस इसलिए बनाया क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी, जब आप ऑडियोमेट्री करते हो तो आपको फ्रीक्वेंसीज को कम ज्यादा करना पड़ता है, तो ये दोनों बटने उसमें बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर इंटेंसिटी डायल स्विच, उसी के बगल में मैंने बना रखा है। तो इन दोनों का अपना काम क्या है, फ्रीक्वेंसी डायल स्विच का काम है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के टोन उत्पन्न करना, और इंटेंसिटी डायल का अलग अलग इंटेंसिटी की टोन देना। नेक्स्ट आता है फिफ्थ इंटरप्टर स्विच, मैंने एक फिफ्थ नंबर बना रखा है, ये सेम वही, इसको बटन को प्रेस करते हैं सिग्नल जाने लगता है कानों में। सिक्स आता है मास्किंग डायल स्विच, तो ऑडियोमीटर्स में ये बटन नहीं होती है, कुछ में होती है। बेसिकली पहले थोड़ा सा समझेंगे मास्किंग क्या चीज होती है। कई बार क्या होता है, हमारे दोनों कानों की श्रवण क्षमता एक जैसी होती है, अर्थात अगर हम नॉर्मल, जैसे कि मैं नॉर्मल सुनती हूँ तो मेरे दोनों कानों की श्रवण क्षमता या आप ऑडियोमेट्री करोगे तो ज्यादातर आसपास आएगी। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब आप ऑडियोमेट्री करते हो तो 5 से 10 dB का डिफरेंस ज्यादातर हम कह सकते हो नॉर्मल्स में रखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने मेरे कान टेस्ट किए तो उसका सार आता है 25, ठीक है। आपके किसी अन्य क्लासमेट ने किए तो उसका सार आता है 25 या 30, तो कहीं ना कहीं इसको हम एक ही रो में मानते हैं, 5 से 10 dB के डिफरेंस को हम इतना ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर इससे ज्यादा का डिफरेंस हो रहा है, जैसे कि एक ने किया आया 15 और एक ने किया 35, तब हमको दोबारा चेक करने की आवश्यकता होती है। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का कि 5 से 10 dB का डिफरेंस हम इसमें सामान्य के तौर पे ही रखते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, हमारे कानों की श्रवण क्षमता सामान्य होती है, लेकिन जिनको श्रवण दोष होता है, कई बार क्या होता है उनके दोनों कानों का जो श्रवण क्षमता या जो श्रवण दोष है वो भी एक जैसा ही होता है। 80% का डैमेज है तो वही होगा, 70 का होगा तो वही होगा, लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आपके सामने आते हैं जिसमें एक कान की श्रवण क्षमता दूसरे से अलग होती है, एक की 50% डैमेज है, एक की 60% डैमेज है या 70% डैमेज है।
तो उस समय क्या होता है, हमारे कान दो तरीके की स्थिति में होते हैं। एक होता है आप कह सकते हो थोड़ा सा अच्छा कान और एक बुरा कान। थोड़ी देर के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ कि आपका एसिलेटर एटीन्यूएटर ये सब हो गया है, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक हियरिंग इम्पेयर्ड है तो राइट ईयर सपोज है 50 dB और लेफ्ट ईयर है सपोज 80 dB। तो क्या होता है, एक ये आपका हो गया बेटर ईयर थोड़ा सा अच्छा कान और ये एक हो गया पूरा ईयर थोड़ा खराब कान। तो कई बार क्या होता है जब हम हेडफोन्स के थ्रू टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो जो खराब कान होता है इसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सही नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसको क्या करता है, हेल्प कर देता है। ठीक है, वो हेल्प कैसे करेगा, जो सिग्नल्स हम इसमें दे रहे हैं 80 dB को, इसमें जो हम हेडफोन्स के थ्रू सिग्नल दे रहे हैं वो क्रॉस करके कहीं ना कहीं राइट ईयर में आते हैं। ठीक है, और जो फिर हम सिग्नल्स पे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं वो हम अपने बेटर ईयर से कर रहे होते हैं, इसी को कहीं ना कहीं हम हेड शैडो इफेक्ट कहते हैं। हम फिर से समझेंगे कि एक मेरा कान अच्छा है और एक खराब है। ठीक है, हमने हेडफोन्स लगाए तो क्या होता है, हमारा अच्छा कान तो 40 dB पे भी सुन रहा है, जैसे इस उदाहरण में देख रहे हैं वो 50 dB पे भी सुन रहा है। तो जब हम पूरा ईयर को 80 dB हमें पता है इसका होता है या फिर हम इसमें जब थ्रेशोल्ड दे रहे होते हैं तो क्या होता है, वो टकरा कर इधर आता है और हम इसकी सहायता से या इसकी मदद से जवाब दे रहे होते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है कि ये चीज ना हो, हम अपने बेटर ईयर में क्या होता है, शोर नॉइज देके इसको हम बिजी रखते हैं, जो कि हियरिंग लेवल के हिसाब से होता है। तो हम जब इसमें शोर दे रहे होते हैं तो वो शोर इस कान को बिजी रख देता है और फिर इस कान के हमें क्या मिलते हैं, ट्रू थ्रेशोल्ड मिलता है, यानी ओरिजिनल जो इस कान का सच्चाई वाला होता है थ्रेशोल्ड वो प्राप्त होता है। तो बेसिकली मैंने आपको मास्किंग शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसका डिटेल्ड स्टडी करते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं। एजुकेटर्स के लिए इतना जानना जरूरी है कि जब दोनों कान का जो हियरिंग लॉस है या श्रवण क्षमता वो अलग अलग होती है तो बेटर ईयर खराब वाले कान को हेल्प करने लगता है सुनने में, तो उसको रोकने के लिए उस प्रभाव को हम बेटर ईयर में नॉइस देके बिजी रखते हैं। तो बेसिकली मास्किंग डायल स्विच इसी के लिए होता है, जिसको प्रेस करते ही नॉइस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यू मीटर। आप देखोगे एक स्क्रीन सी बनी हुई होती है जिसमें कि आप कितना सिग्नल दे रहे हो, किस कान में दे रहे हो, सिग्नल प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी डिटेल्स उस स्क्रीन में आ रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेशेंट रिस्पॉन्स स्विच। एक ट्यूब कह सकते हो आप, छोटी सी रिमोट टाइप इस तरीके की स्विचेस होती है जिसको प्रेस करते ही यहाँ पे एक सिग्नल जल जाता है, ऐसा एक सिग्नल सा रेड कलर का कह लो ब्लू कलर का होता है वो जल जाता है कि मतलब पेशेंट हमें रिस्पॉन्स कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं पेशेंट रिस्पॉन्स स्विच की वजह से कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, फॉर एग्जांपल क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट ही है तो कई बार क्या होता है पेशेंट ने बटन प्रेस की बट सिग्नल नहीं मिला तो हम सही से रिस्पॉन्सेस समझ नहीं पाते हैं इसकी वजह से। तो हम एक बार फिर से शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया अबाउट द ऑडियोमीटर की एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की टोन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा ऑडियोमीटर के तीन बेसिक पार्ट होते हैं, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, एटेन्यूएटर इंटेंसिटी एंड इंटरप्टर टोन देने के लिए। इसके साथ ही साथ हमने ऑडियोमीटर के अलग अलग पार्ट्स पढ़े, ऑन ऑफ स्विच जिसके साथ हम इसे ऑन ऑफ करते हैं। सेकंड हमने पढ़ा हमारे आउटपुट सेलेक्टर यानी कि हमें साउंड किस फॉर्म में चाहिए, हेडफोन्स के थ्रू, बोन वाइब्रेटर के थ्रू, फ्री फील्ड स्पीकर के थ्रू या इंसर्ट रिसीवर्स के थ्रू। थर्ड आया हमारा फ्रीक्वेंसी डायल स्विच जिसकी सहायता से हम फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं, इसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं। फोर्थ आया इंटेंसिटी डायल स्विच जिसकी सहायता से हम इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। फिफ्थ आया इंटरप्टर स्विच जिसकी सहायता से हम टोन देते हैं। सिक्स्थ आया मास्किंग डायल स्विच जिसकी सहायता से हम नॉइज देकर बेटर ईयर को बिजी रखते हैं। और लास्ट हमारा एट्थ आया पेशेंट रिस्पॉन्स स्विच। तो आज के सेशन में या आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया अबाउट द ऑडियोमीटर एंड इट्स पार्ट्स। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आपको कोई क्वेरी हो तो वो पूछिए। साथ ही साथ फेसबुक पे मेरा पेज है लर्न विद अंशिता के नाम से, प्लीज उसे फॉलो करिए। उसमें डे टू डे मैं अपडेट करती हूँ, कुछ ना कुछ पिक्चर्स हो गए, कोई भी जानकारियां हो गई जो कि आपके ऑडियोलॉजी स्पीच एंड डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, वो आपके काफी काम आएगी आपके पेपर की नजर से भी और एजुकेशन पर्पज से भी। एंड प्लीज मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।